नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा मध्य प्रदेश में पुरातत्व दार्शनिक हॉल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ने किया शुभारंभ। केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे विदिशा, जहां प्राचीन धरोहर विजया मंदिर में दार्शनिक हॉल का शुभारंभ किया। आज से सरकारी अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन 10:15 से शाम 5 बजे तक ऑडिटोरियम में रखी प्राचीन मूर्तियों एवं कलाकृतियों को लोग देख सकेंगे। पर्यटक जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रहलाद सिंह पटेल ने पत्रकारों से कहा, आप लोग जो कमी है मुझे बताएं या खबरों में दिखाएं, वह अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करूंगा। प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा संपर्क रोड पर माला देवी मंदिर, ग्यारसपुर, उदयपुर का मंदिर एवं अन्य जिले में पुरातत्व के स्मारक, जो भी जिले में पर्यटक स्थल हैं, उनको विकसित किया जाएगा। आपके विदिशा जिले में रायसेन जिले से कम पुरातत्व संपदा नहीं है, यहाँ पर अनेक पर्यटन स्थल हैं। जरूरत है तो उन्हें विकसित करने की, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। इस कार्यक्रम में पुरातत्व विभाग के अधीक्षक पुरातात्विक पीयूष भट्ट, आरडी पीके मिश्रा, पुरातात्विक मोहन चंद्र जोशी, कनिष्ठ संरक्षक झांसी संदीप कुमार महतो आदि उपस्थित रहे। विदिशा ग्यारसपुर से प्रेम नारायण सूर्यवंशी के साथ आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नहीं, मुझे लगता है कि जिला प्रशासन से बात हुई है कि पहले संपर्क के जो रोड माला देवी है, ग्यारसपुर में, या फिर आपका उदयपुर का मंदिर है, या बाकी जहाँ पर भी, और उन्हें माना है कि वो उन्हें बैठक की है, तो एक बार जब तक वो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी तो एक बहुत बढ़िया सर्किट है। और जो धरोहर विदिशा जिले के पास के है, निश्चित रूप से बड़ी जरूरत। पिछले दिनों कलेक्टर ने एक बैठक की थी और उसमें ये कहा गया था कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए कुछ तैयारी की जा रही है, कुछ गाइड भी तैयार करेंगे ताकि लोकल की जानकारी वो पर्यटकों को दे सके, उस बारे में कुछ किया जा सके। इस संबंध में हमारा पहला बैच अभी इसी अक्टूबर के महीने में निकल रहा है, वो लगभग 5600 लोगों का है जो टूरिस्ट से फैसिलिटेट कोर्स करके आए। लेकिन आज आपके जिले के कलेक्टर ने एक अच्छी राय दी। कई बार चीज़ें संवाद से ही चीज़ें निकलती हैं, उनको बधाई देता हूँ जिला प्रशासन को। उन्होंने जब बैठक की और उन्होंने कहा कि MPS जो हमारे, उनको भी जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए। विजया माता की जय।